माय चैनल लिटिल वंस केयर। मेरा नाम जयश्री है एंड आज मैं आपसे कुछ मेथड्स और कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने बच्चों को आराम से नंबर्स सिखा सकते हो। तो आज मेरी बेटी अराउंड 23 मंथ्स की है और उसे 1 to 10 अच्छे से आता है, 1 to 10 वो अच्छे से काउंट कर सकती है। तो आइए हम कुछ चीजें शेयर करते हैं जिससे आप आराम से अपने बच्चों को नंबर्स सिखा सकते हो। सो द फर्स्ट वे ऑफ लर्निंग इज बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम्स में बच्चों को 1 से 10 काउंटिंग होती है, वो उस काउंटिंग में बच्चे आराम से 1 2 3 4 प्लेस करते हैं और वो खेलते खेलते 1 to 10 का सीक्वेंस भी अच्छे से लर्न कर लेते हैं। अब ये जो 1 to 10 का सीक्वेंस है ये आप देख सकते हो कलरफुल होता है, तो बच्चे इसके थ्रू कलर्स भी लर्न कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वे ऑफ लर्निंग इज दिस काइंड ऑफ ब्लॉक्स। ये आप ब्लॉक्स देख सकते हो, ये ब्लॉक्स है। इन ब्लॉक्स पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनी हुई है एज वेल एज नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो ये नंबर्स बच्चे देख के आराम से इनके 1 2 3 4 का स्टैक बनाते हैं और उससे वो अच्छे से लर्न करना सीखते हैं नंबर्स को। नाउ द थर्ड वे ऑफ लर्निंग इज बुक्स। बुक्स जैसा कि हमेशा से एक यूनिवर्सल तरीका रहा है कोई भी चीज लर्न करने का। इनिशियली तो हमारे पास इतने सारे टॉयज नहीं होते थे तो हम बच्चों को बुक्स के थ्रू ही सिखाते थे, तो बुक्स हमेशा से एक यूनिवर्सल मेथड रहा है और आज भी हम बुक्स को हमेशा फॉलो करते हैं। तो ये था एक तरीका बच्चों को नंबर सिखाने का। अब नेक्स्ट तरीका है बच्चों को नंबर सिखाने का कि हम उनको डेली प्रैक्टिस में नंबर सिखाएं। जैसे आप डेली प्रैक्टिस में बच्चा जो भी खा रहा है या बच्चा जो भी कर रहा है उसमें आप नंबर्स को काउंट करवाइए। जैसे अगर बच्चा कुछ खा रहा है, जैसे अगर बच्चा कुछ ग्रेप्स खा रहा है तो ग्रेप्स में आप काउंटिंग करवा सकते हो 1 2 3 4 5। इस तरीके से बच्चा अगर ऑरेंज खा रहा है या बच्चा कुछ भी खा रहा है तो आप उसमें काउंटिंग्स को इन्वॉल्व कीजिए। या अगर बच्चा कोई भी गेम खेल रहा है तो उसमें कितने ब्लॉक्स हैं उसको आप काउंटिंग इन्वॉल्व करिए। तो इससे भी बच्चे बहुत जल्दी लर्न करना सीखते हैं नंबर्स को। नाउ द नेक्स्ट वे ऑफ टीचिंग इज डो एक्टिविटी। डो एक्टिविटी जैसा कि अल्फाबेट्स आप लर्न कर सकते हो, सिमिलरली आप नंबर्स को भी लर्न कर सकते हो। तो आप नंबर्स ये देखिए कुछ डोज बना के रखी है, प्ले डो होते हैं। ये प्ले डो की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो। और प्ले डो बच्चों के लिए बहुत अच्छा तरीका है लर्न करने का। इससे बच्चे शेप सीखते हैं, कलर सीखते हैं और नंबर्स लिखना सीखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए। तो आप अपने बच्चों को जरूर प्ले डो घर का बना हुआ दीजिए ताकि वो अच्छे से इसको एंजॉय कर सके। प्ले डो आप घर पे आराम से बना सकते हो और इसकी मेथड्स जो इसको जो बनाने का तरीका है वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप वो देख के बच्चों को जरूर प्ले डो बना के दीजिए, वो उससे बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो ये सारे तरीके थे बच्चों को अच्छे से नंबर सिखाने के लिए। तो इससे बच्चे नंबर्स बहुत जल्दी बोलना सीखते हैं और आपको भी वो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी अच्छे लर्निंग एक्टिविटी रिलेटेड वीडियोस अपडेट मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।